समस्तीपुर में हुई इस लूट की वारदात के बाद मौके पर क्या हालात हैं, देखिए हमारे संवाददाता मंटुन रॉय की रिपोर्ट। समस्तीपुर में फिर एक बार बेखौफ अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नकु स्थान के हीरा ज्वेलर्स के पास दिन दहाड़े 10 की संख्या में जो है लगभग जो है 1 करोड़ों की जो है आभूषण लूटकर जो है इसी हीरा ज्वेलर्स से जो है लूटकर जो है दिन दहाड़े 10 की संख्या में अपराधी फरार हो गए। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो है भीड़भाड़ वाला इलाका है जहाँ जो है बेखौफ अपराधी जो है 10 की संख्या में अपराधी पहुँचे और लूट कर जो है पिस्टल के बल पर, कहा जाए तो डकैती जो है बड़ी भीषण डकैती को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां जो है 10 की संख्या में सभी हथियारबंद अपराधी थे और नकाबपोश अपराधी थे जो ग्राहक बनकर घुसे और जो है इनसे लूटपाट की है। दुकानदार हैं इनसे, क्या क्या हुआ था और कितने की संख्या में थी और पूरी घटना क्या है? लगभग 10 की संख्या में लोग थे। अच्छा, और सभी के हाथ में पिस्टल था, वो लोग आए, हम लोग को पिस्टल लगा दिया, मार के उधर बैठा दिया और घटना करके निकल गया। उन लोग मारपीट भी किया है? मारपीट भी किया है। अच्छा, मेरे साथ नहीं किया है, स्टाफ सबके साथ मारपीट किया। तुमको भी मारा है ना? कितने मतलब जो है सभी के हाथ में पिस्टल थे? सभी हाथ पिस्टल थे। अच्छा, क्या लगता है कि कैसे अपराधी आए थे अंदर में कैसे? वो तो बारी बारी से सब घुसा गेट से, एक महिला भी साथ में थी लेडीज, तो हम लोग गेट खोल दिए, स्टाफ गेट खोल दिया और ऐसे करके लोग घुस गए। कितने के सामान होंगे, जो ज्वेलरी होंगे या कैश? करोड़ रुपया के होंगे, लगभग करोड़ रुपया के होंगे। तो ऐसे में सवाल है कि जो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच अगर दिन दहाड़े अपराधी जो है अपराध करके निकल जाए और फिर जो है उसी शाम नगर थाना क्षेत्र में जो है लगभग जो है भीषण डकैती को जो है अंजाम दिया जाता है भोला टॉकीज के बाद, अब तक पुलिस के हाथ खाली है लेकिन अपराधियों के जो है हौसले बुलंद है। ऐसे में देखना होगा कि समस्तीपुर के कप्तान किस तरह जो है अपराधियों पर नकेल कस पाते हैं। मंटुन रॉय, न्यूज स्टेट, समस्तीपुर। ये दो वारदातें एक के बाद एक, जिसमें एक और व्यवसायी के घर में 10 की संख्या में लुटेरे घुस आए, घर वालों को बंधक बनाकर हथियार के बल पर करीब 30 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए, और इसके कुछ ही घंटे बाद 10 की ही संख्या में लुटेरों ने एक बड़े ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में करीब 1 करोड़ रुपए के आभूषण लूट कर आराम से सभी लुटेरे फरार हो गए। दो बड़ी वारदातों ने इलाके में सनसनी फैला दी। प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला लूट की सूचना पर सक्रिय हुआ, लेकिन पुलिस पहली लूट की वारदात की जांच में ही जुटी हुई थी, तभी दूसरी लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए, जो कुछ सवाल खड़े करते हैं। आखिर कैसे बढ़ रहा है अपराधियों का मनोबल? कौन दे रहा है अपराधियों को संरक्षण? एक दिन में दो बड़ी लूट की वारदात कैसे हुई? एक लूट के बाद आखिर क्यों नहीं अलर्ट हुआ प्रशासन? अपराधियों को दूसरी लूट की वारदात को अंजाम देने का मौका कैसे मिला? सहयोगी मंटुन राय पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए। मंटुन, एक के बाद एक दो बड़ी लूट की घटना, करीब 10 की संख्या में आए लुटेरों ने दोनों वारदात को अंजाम दिया, क्या कर रही है पुलिस? देखिए, बता दें कि समस्तीपुर में अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं और पुलिस बिल्कुल जो है बेबस बनी हुई है। तभी तो बेखौफ अपराधी पुलिस की को खुली चुनौती देते हुए एक के बाद एक अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ताजा मामला बता दें कि जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जो नकुआ स्थान के पास की है, जहां हीरा ज्वेलर्स के यहां 10 की संख्या में जो है नकाबपोश अपराधी पहुंचते हैं, जिसमें एक महिला जो अपराधी होती है वो जो है घुसकर जो है और उसके बाद लूटपाट करता है। विरोध करने पर जो है अपराधियों के द्वारा जो है जो मारपीट की जाती है। बताया जाता है कि लगभग करोड़ों रुपए की जो है ज्वेलर्स थे वो लेकर अपराधी जो है दिन दहाड़े भाग गए। तो बड़ी जो घटना डकैती की है, सबसे बड़ी घटना समस्तीपुर के लिए है, क्योंकि दिन दहाड़े तो और भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां अपराधी जो है बेखौफ पहुंचते हैं और बेखौफ होकर जो है घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वही जो है देर रात की बात करें तो नगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां सिनेमा मालिक से जो है लगभग डकैतों ने जो है
30 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब लाचार बनी हुई है, लगातार अपराधी जो है बेखौफ होकर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और सिर्फ पुलिस का यह बतलाना है कि सिर्फ जांच हो रही है और जांच के नाम पे जो है पुलिस अपनी जो है खाना पूर्ति कर रही है, और इसी जांच के जांच सब को लेकर जो अपराधी जो है उसे जो है कोई डर नहीं है, और सभी तो लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर वो निकल बनते हैं, लेकिन पुलिस हाथ में हाथ धरी रह जाती है। बिल्कुल, 10 की संख्या में अपराधी, 10 लोगों का भाग निकलना, वो भी एक वारदात के बाद जब प्रशासन सक्रिय हो, इलाके में छापेमारी करने का दावा किया जा रहा हो, फिर दूसरी वारदात को अंजाम देकर 10 अपराधी भाग निकलते हैं, तो ये पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े होते हैं। एक दिन में 2 लूट की वारदात आखिर कैसे हो गई, क्यों नहीं अलर्ट हुआ प्रशासन? देखिए बता दें कि देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि ये लूट नहीं है, ये डकैती है, क्योंकि 10 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और बेखौफ पहुंचते हैं, और एक नहीं दो दो घटना है, एक नगर थाना क्षेत्र में देकर अंजाम देती है, और दूसरा जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तब देखते जब दिनदहाड़े, क्योंकि यह इलाका जो है पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और अपराधी बेखौफ पहुंचते हैं, क्योंकि पुलिस का कहीं ना कहीं जो इकबाल का, जो खाकी का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है, जिस वजह से अपराधी जो है बेखौफ। धन्यवाद मंटो।